19 तारीख को तीनों सेनाओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अग्निवीर योजना के बारे में तमाम बारीकियां समझाई गई। आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर जारी है, सुनिए आप। एक साल, दो साल, तीन साल ये क्यों कर रहे हैं, ये उस देश की जरूरत है। अंत में उनको क्या चाहिए, देश की सुरक्षा और जो उनके नेशनल सिक्योरिटी की इश्यूज हैं। तीन और देश देखते हैं, रशिया, चाइना, इसराइल, इनके अंदर भी मल्टीपल एंट्रीज हो रही हैं। क्या मल्टीपल एंट्रीज है, कंस्क्रिप्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा मैंडेटरी सर्विस है इसराइल के अंदर। एंगेजमेंट पीरियड जैसे कि रशिया में देखिए, एक साल, तीन साल, परमानेंट के अंदर कंस्क्रिप्ट और परमानेंट के बीच में जो रेशियो है वो दो तिहाई परमानेंट है और एक तिहाई कंस्क्रिप्ट है। ट्रेनिंग की जो अवधि है वो अलग अलग श्रेणियों में दी हुई है। जो वुमेन के लिए, इसराइल के लिए जैसे लिखा हुआ है, तीन साल कंपल्सरी है और वुमेन अलग किस्म की है। ये जो आपके सामने दर्शाया गया है इसमें दो बातें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। नंबर एक, किसी के पास भारत जैसा डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है। इसके ऊपर सिर्फ मैं 10 सेकंड बताना चाहूंगा, हमारे जो यूथ हैं वो 50% 25 साल से नीचे होंगे। ये कोई भी देश कितना भी विकसित हो उसके पास ये डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है। फौज को चाहिए कि हमारे पास जो हमारे युवक हैं, हमारे सैनिक हैं, वो इस डिविडेंड का फायदा उठाएं। वी हैव टू बी रिफ्लेक्टिव ऑफ दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड। दूसरा, हम बाहर से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, इंडियन प्रॉब्लम्स इंडियन सॉल्यूशंस, तो इस चीज को ध्यान रखा गया। उसके अलावा हम इसके अंदर जो हमने सेलियंट फीचर्स देखे हैं कैसे मिले, हम लोग हर एक साल तकरीबन 80 से 100 एक्सरसाइज करते हैं बायलैटरल तमाम देशों के साथ। उनके साथ हमने देखा उसके उसकी आयु क्या है, उसकी एंट्री क्या है, तो हमें उनसे बातचीत करने से, एक्सरसाइज करने से, चाहे 10 दिन की हो चाहे 1 महीने की हो, ये हमें ज्ञान मिला उनसे कि उनके पास इस टाइप के प्रावधान हैं। एज जैसा कि मैंने आपको बताया, सब कंट्रीज जो आपको दिखाई हैं 26 से 27 साल, एंगेजमेंट पीरियड भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, बट जो सबसे ज़्यादा पीरियड फॉलो करा जाता है 2 से 4 साल। जो ट्रेनिंग पीरियड है वो आपके सामने लिखा हुआ है। कमिंग टू अग्निपथ करने से पहले मंथन, देखिए कोई भी इतना बड़ा रिफॉर्म होगा ये हो ही नहीं सकता कि इसके ऊपर अलग अलग किस्म की बैठकें नहीं बैठें। हमारे जो तीनों चीफ्स थे इससे पहले एंड जनरल बिपिन रावत, ये काम 2 साल से तो बहुत जोर शोर से शुरू हुआ, उससे पहले ये सिर्फ कागजों पे स्टडी करा जा रहा था अलग अलग कमिटीज के ऊपर। एंड इस सब मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ कोर्स लीड कर रही थी, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो, चाहे लीगल हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे मिनिस्ट्री जो इंडस्ट्री के साथ डील कर रही हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग हो, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप हो, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, यूथ अफेयर्स, ये सब मिनिस्ट्रीज के साथ मंथन करा गया। सिर्फ हमने उनको स्कीम की डिटेल्स धीरे धीरे बताई। जो आपके सामने जो अब अनफर्ल हो रहा है ये प्लैंड इवेंट है। प्लैंड इवेंट इस तरीके से कि मिनिस्ट्रीज को बताया गया था 14 तारीख को कि ऐसे ऐसे आपके सामने युवक आएंगे, बट उन्होंने अपना जो प्रावधान था वो सब करा हुआ है। जो उन्होंने इंटेंट बताया अब आप एक्शन में उसको होता देख रहे हैं। अगले 2 से 3 हफ्ते के अंदर ये इंटेंशन कागज के ऊपर उतर जाएगा कि उनको सीनियोरिटी दी जाएगी, उनको 10% जॉब यहां पर होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके अलावा सर्विसेज, ये आपके सामने सारी सर्विसेज ने अपना इंटरनल मंथन करा। एंड ये सिर्फ मंथन ऐसे नहीं है, डिफेंस एनालिस्ट जो हैं वो इसके बारे में कई सालों से लिख रहे हैं। उन सब की हमने जो लिखाई पढ़ाई है उनको स्टडी करा और उसमें से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उसको इंप्लीमेंट करी। अब आया टाइम ऑफ लॉन्च। सी, हमारा बस चलता तो ये 1990 में ही कर लेते, बट जो बाकी आपको चीजें बताई उसको करते करते समा आगे निकलता गया एंड मौका एंड पूरी चीज हमारे हाथ में नहीं थी। बट ये पिछले 2 साल में हमें एक मौका मिला जिसमें जो रिक्रूटमेंट की प्रतिक्रिया है हमने रोकी। आप सबको वजह मालूम है। सो लीस्ट पेन पूरे देश को, लीस्ट पेन यूथ को, हमारे को, सबको लीस्ट पेन हो, इसलिए इसका प्रावधान इस टाइम पे करा गया है। देखिए इसके ऊपर भी मुद्दा उठ रहा है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस एंड रेजिमेंटेशन के ऊपर। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। जो अभी 5 साल पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस था या 2 साल पहले था और
पांच दिन बाद होगा, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। तीनों सर्विसेज के जो प्रोसेस थे वो वैसे के वैसे रखे गए हैं। ऑल इंडिया ऑल क्लास के ऊपर लोग बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। पहले भी हम ऑल इंडिया ऑल क्लास थे, अब भी ऑल इंडिया ऑल क्लास रहेंगे। इसमें कोई किसी को, ये खासकर इसकी जरूरत है हमारे जो वेटरन भाई हैं जिन्होंने हमको ट्रेन करके यहां बिठाया है, उनके लिए है। कईयों के दिमाग में आशंका रही है कि इसके ऊपर कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो रेजिमेंटेशन का प्रोसेस है वो बिल्कुल अनचेंज्ड रहेगा। नाउ कमिंग टू प्लेज, आपने देखा कि पिछले कई दिनों में प्रोटेस्ट, आर्सन, वायलेंस, उसके लिए कोई जगह नहीं है। अंडरटेकिंग नॉट प्लेज कि उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा, पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन हमेशा होती थी, सिर्फ बिकॉज तीन चार दिनों में ये आर्सन और वायलेंस देखा गया इसलिए इसकी प्लेज और अंडरटेकिंग हम लेंगे। जो सर्विसेज ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें कोई बदली नहीं हुई है, इसके बारे में विस्तार से रिस्पेक्टिव सर्विसेज के लोग बताएंगे। सिलेक्शन सिस्टम, इसके बारे में डिस्कशन हो रही है। मैं दोहराना चाहूंगा कि आज भर्ती होने के लिए हर एक वैकेंसी के लिए 50 से 60 लोग आते हैं, एक सिलेक्ट होता है, तो 49 से 59 लोग वापस जा रहे हैं। तो हमको जरूरत क्या है? हमको जरूरत है देश के लिए बेस्ट लेने की। ये वी कैनॉट टेक द सेकंड बेस्ट। हमारा जो काम है वो सेकंड रनर्स अप सिल्वर मेडल से नहीं चल सकता। ट्रांसपेरेंट होगा ये प्रोसेस, फेयर होगा, ऑब्जेक्टिव होगा और सेंट्रली मेंटेन्ड होगा। कई आर्टिकल्स लिखे गए हैं कि आप कमांडिंग ऑफिसर्स को इसका जिम्मा दे रहे हैं। देखिए, आज भी कमांडिंग ऑफिसर जो जमीन के ऊपर है, आगे तैनात है, वो आज भी अपने हर एक यंग जो जवान है उसका, उसके ऊपर लिखता है, बैठ के लिखता है कि ये कैसा बनेगा, आगे क्या होगा, इसको मुझे मिसाइल ट्रेनिंग देनी है या इसको रडार ट्रेनिंग देनी है। वो ये सब काम कर रहा है, ये उसका काम है। बट इन लोगों को सिलेक्ट करने के लिए वो ऑब्जेक्टिव सिस्टम बनाएगा, इसको सेंट्रली मेंटेन करा जाएगा, सो दैट हम सीओ को इस सिलेक्शन के अंदर उसकी इनपुट लेंगे जो ऑब्जेक्टिव होगी। बट कौन सिलेक्ट होगा ये एक बोर्ड डिसाइड करेगा। देखिए, अग्निपथ इंप्लीमेंटेशन के लिए फोर्सेस को एम्पावर करा गया है। इसमें प्रावधान रखे गए हैं सेफ गार्ड्स के लिए जब भी जरूरत पड़ी, और प्रावधान के लिए हमें जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ इसमें जो छोटा मोटा बदलाव है कर सकते हैं। फोर्सेस के अंदर आपको फेथ रखना बहुत जरूरी है। हमारी ओनरशिप इस स्कीम के लिए 100% है, एंड ये स्कीम एक बिल्कुल इम्प्लीमेंटेबल है बिकॉज इसको कई देर से सोचा गया है। एक आदमी ने नहीं सोचा, एक औरत ने नहीं सोचा, बहुत लोगों ने अपना दिमाग लगाया, जैसे कि मैंने आपको मंथन में बताया। इन द एंड हमको बेस्ट चाहिए, एंड क्यों बेस्ट चाहिए? बिकॉज देश की रक्षा का सवाल है। हम चाहते हैं कि अग्निवीर सर्व करे, उसको सिस्टम सपोर्ट करे। अगर कल को, आज से 4 या 5 साल बाद अग्निवीर अगर कहीं बाहर लड़े में मिलेगा, उसे परमवीर चक्र मिलेगा और आप उसके गवाह होंगे। उसमें कोई किस्म की अलग नहीं है, वो बिल्कुल हमारे साथ अगर लड़ेगा तो उसको वही चीजें मिलेंगी जो हमें आज मिल रही हैं, चाहे वो परमवीर चक्र हो, चाहे वो और कोई किस्म की चीज हो। सो गैलेंट्री अवार्ड्स, देश की भक्ति का चांस हम दे रहे हैं सब युवकों को। सो ये देशभक्ति का चांस मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये युवक अपने हाथ से ना जाने दे। अग्निपथ एक टैलेंट अट्रैक्ट करने की हमने स्कीम बनाई है, सो दैट वी गेट द बेस्ट। एंड इसके साथ मैं चाहूंगा कि एक लाइन आप याद रखिएगा कि देशभक्ति या फौज में काम करना एक जुनून है, एक जज्बा है, ये एक नौकरी के लिए प्रावधान नहीं है। अब मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा एयर मार्शल सूरज झा को। नमस्कार। ये जो आप सामने अपने देख रहे हैं, पीपल फर्स्ट मिशन ऑलवेज, दिस इज द अंडरलाइंग इथॉस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ये भारतीय वायुसेना की बुनियाद है और भारतीय वायुसेना का सबसे सशक्त हथियार है उसकी मैन पावर, जो हमारे एयर वॉरियर्स हैं वो, और अग्निवीर भी इसी सशक्त हथियार का एक अभिन्न अंग बनेंगे।
पिछले साल हमारे कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का थीम था एंश्योरिंग सर्टेनिटी अमिडस्ट अनसर्टेनिटी। तत्पश्चात हमने एक प्रोसेस इनिशिएट किया जिसमें पूरी ट्रेनिंग को रिवैम्प करने की, ट्रेनिंग को डायनेमिक, फ्लेक्सिबल, डिसरप्टिव, मल्टी डोमेन और साथ साथ उसे प्रैक्टिकल।